हेलो एंड वेलकम टू कंप्लीट अफेयर्स। मैं हूं सौरभ राय। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत ने जॉर्जिया का दिल कैसे जीता है, ऐसा क्या किया है। तो आइए इस वीडियो में शुरू करते हैं। क्रिस्टल क्लियर बहुत ही कम शब्दों में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम एक बड़े मैप में जॉर्जिया की लोकेशन देखते हैं। यहाँ पे ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ से हमें वेस्ट की तरफ जाना होगा और ये है जॉर्जिया। तो सबसे पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब इंडिया से रशिया को विजिट किए और रशिया के बाद उन्होंने जॉर्जिया का विजिट किया। तो सबसे पहले उन्होंने रशिया का जो विजिट किया वो मोस्ट प्रोबेबली वो अफगानिस्तान और तालिबान का इशू वहाँ पे डिस्कस किया गया। अब इंडिया और जॉर्जिया ने इसी साल 2021 में 25 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। फर्स्ट इंडियन फॉरेन मिनिस्टर विजिट टू जॉर्जिया। एस जयशंकर साहब ये पहले फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के जिन्होंने जॉर्जिया को विजिट किया है। इससे पहले किसी फॉरेन मिनिस्टर ने जॉर्जिया को विजिट नहीं किया था। हमें पता है जॉर्जिया सोवियत यूनियन का पार्ट था और वो 1991 में वो ब्रेक हुआ और वो इंडिपेंडेंट हुआ। वहाँ पर एस जयशंकर साहब ने एक महात्मा गांधी की एक स्टैचू को भी अनवील किया है जॉर्जिया में। अब ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि 1500 में मुस्लिम एम्पायर क्या था और वहाँ पे एक सफाविद एम्पायर था जिन्होंने अटैक किया था केटवन एम्पायर में। तो ये है सफाविद एम्पायर और यहाँ पे जो क्वीन थी जॉर्जिया की, अभी मैं आगे आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वहाँ यहाँ पे जहाँ मैं क्रशर इस समय मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे वो क्वीन रूल करती थी। सफाविद एम्पायर ने यहाँ पे इस क्वीन के एम्पायर में अटैक कर दिया और क्वीन को वो प्रिजनर बना लिए और उसके बाद उन्होंने बहुत ही हार्श तरीके से उनको जो है वो टॉर्चर किए। अब एस जयशंकर ने यहाँ पे जॉर्जिया में उन्होंने क्वीन सेंट केटवन, ये एक क्वीन थी 16वीं सेंचुरी की एक क्वीन थी, इनकी रेलिक जो है उन्होंने हैंडओवर किया है, जिसके लिए जॉर्जिया जो है इतना थैंक्स और इतना ही आभार प्रकट कर रहा है इंडिया का। अब ये क्वीन सेंट केटवन जो थी ये वहाँ की बहुत ही होली पर्सनालिटी और बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थी। उन्होंने उनकी जो रेलिक थी वो 2005 में वो ओल्ड गोवा में मिली। और ये ओल्ड गोवा में उनकी रैलिक कैसे मिली, सबसे पहले उनकी जो रैलिक थी वो पोर्तुगल में गई, पोर्तुगल से गोवा में गई। अब ये उनकी जो रैलिक थी ये गोवा में माना जाता है, इट इज बिलीव दैट दीज रैलिक्स वेयर ब्रॉड टू गोवा इन 1627। ये जो क्वीन थी वो काखेती रीजन की थी और क्वींस केटवन जो थी ये जॉर्जिया की होली पर्सनालिटी थी और इनका वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट है। ये है केटवन दी मार्टर की ये पिक है। अब इंडिया ने ये डिसाइड किया था कि क्वीन केटवन की जो रेलिक है वो जॉर्जिया में 6 मंथ के लिए रखा जाएगा। जॉर्जिया ने रिक्वेस्ट किया था कि उनकी जो रेलिक है वो हमारे हमारे कंट्री में जो है वो रखा जाए। तो इंडिया ने 6 मंथ के लिए सबसे पहले वो एज ए गुडविल उन्होंने डिसाइड किया था। फिर जॉर्जिया ने रिक्वेस्ट किया कि उनकी रेलिक को परमानेंटली जॉर्जिया में हैंडओवर कर दिया जाए, जॉर्जिया को हैंडओवर कर दिया जाए, जिससे जॉर्जिया के लोगों का वहाँ पे उनके प्रति बहुत ही आदर है, बहुत ही वहाँ पे अच्छा जेस्चर है। तो नाउ इन 2021 द इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिफ्ट वन पार्ट ऑफ द होली
होली रिलिक टू द गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ जॉर्जिया। अब मैं इस वीडियो आगे मैं आपको एक वीडियो शो करता हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस रेलिक का जॉर्जिया में कितना जो है वहाँ पे सम्मान है और उसके प्रति कितना उनका थैंक्स है इंडिया के प्रति। मैं आपको ये वीडियो शो करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं एस जयशंकर साहब जॉर्जिया के विजिट पे, उन्होंने ये बॉक्स में इनको रेलिक हैंडओवर किया है वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर को, और ये एक रेड कॉर्पेट उनका जेस्चर हो रहा है, वेलकम हो रहा है। और ये रेलिक को जॉर्जिया में कितना आदर, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्वीन कैटवन का कितना इम्पैक्ट है, और वहाँ पे ये एस जयशंकर साहब उन्होंने रैलिक को हैंडओवर करने के बाद तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्वीन कैटवन की रैलिक जो इंडिया ने हैंडओवर किया है जॉर्जिया को, उसका कितना बड़ा वहाँ पे खुशी है। और वो जॉर्जिया के लोग इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, और इंडिया और जॉर्जिया के रिलेशन 25 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, ये इसी साल कंप्लीट हुए हैं। जॉर्जिया की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेट 38 लाख है, लेकिन जॉर्जिया की पॉपुलेशन इतना ज़्यादा नहीं है कि जो इंडिया उनको डिफेंस इक्विपमेंट या ये सब सेल करेगा, लेकिन इंडिया ने जॉर्जिया के लोगों का दिल जीता है ये उनके रेलिक को हैंडओवर करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।